हेलो एवरीवन आई एम करण मशरू वेलकम टू दिस वीडियो सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट कंप्यूटर साइंस टू पेपर का क्वेश्चन नंबर 64 का सॉल्यूशन जो जो कि सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर एंड टॉपिक है पेज रिप्लेसमेंट जिस क्वेश्चन पेपर को मैं रिफर कर रहा हूँ वो मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन नंबर सिक्सटी कौन सा है ऑल्सो अभी मैं स्क्रीन पर स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ आप पॉज करके एक बार रीड कर सकते हैं देन विल बिगिन सो आई होप के आपने क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया है नाउ लेट्स बिगिन टू डॉड इट कंसिडर अ डिमांड पेजिंग सिस्टम विथ फोर पेज फ्रेम्स इनिशियली एम टी एंड एल आर यू पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी ठीक है क्या बोला गया है कि एक डिमांड पेजिंग सिस्टम हमें कंसिडर करनी है जिसमें कि फोर पेज फ्रेम्स है जो कि इनिशियली सारी की सारी एम टी है और रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो है जो एलगोरिदम है वो एल आर यू कंसिडर करना है लिस्ट रिसेंटली यूज ठीक है फॉर द फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दैट इज सेवन टू सेवन थ्री टू सेवन टू सेवन थ्री टू फाइव थ्री फोर सिक्स सेवन फाइव थ्री फोर सिक्स सेवन सेवन वन फाइव सिक्स वन सेवन वन फाइव सिक्स वन पेज फॉल्ट डिफाइंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट टू द नंबर ऑफ मेमरी एक्सेसिसउंडेड टू वन डेसिमल प्लेस इज ठीक है तो क्या पूछ आ, पू, आ, बताना है पेज फॉल्ट बताना है जिसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस ठीक है इसको राउंड ऑफ करना है वन डेसिमल प्लेस पे बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें पता है कि कोई भी अगर प्रोसेसर को पेज चाहिए मेमोरी वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में पेजेस में डिवाइडेड होती है मेमोरी तो कोई भी अगर पेज चाहिए ठीक है तो वो पहले मेन मेमोरी में आनी चाहिए तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो पेजेस है वर्चुअल मेमोरी में वो इस ऑर्डर में हमें चाहिए तो उसको पहले मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा मेन मेमोरी में फोर पेज फ्रेम्स है ठीक है और इनिशियली सारी की सारी एम है तो हमें एल आर यू लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिदम यूज करके बताना है कि कितने पेज फॉल्ट्स होंगे पेज फॉल्ट का मतलब क्या है कि जब भी हमें कोई पेपर पेज uh, चाहिए और वो मेन मेमोरी में नहीं है तो हमें वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा उसको पेज फॉल्ट बोलेंगे अगर डायरेक्टली मेन मेमोरी में मिल जाता है प्रोसेसर को तो उसको हिट बोलेंगे ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड होना ज़रूरी है हम एक एक टॉपिक को बहुत बेसिक से बिगिन नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं राइट right? हम uh, पूरा टॉपिक स नहीं कर रहे सो बेसिकली लिस्ट रिसेंटली का यूज करके इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहले तो कितनी फ्रेम्स है उसको रो में हम लिख लेंगे टोटल चार फ्रेम्स है सो so, एंड और एक्सेस किस तरह से चाहिए पहले पेज नंबर सेवन चाहिए फिर टू चाहिए फिर सेवन चाहिए फिर थ्री चाहिए फिर टू चाहिए फिर फाइव चाहिए फिर, फिर थ्री चाहिए फिर फोर चाहिए फिर सिक्स चाहिए फिर सेवन चाहिए फिर सेवन चाहिए फिर वन चाहिए फिर फाइव चाहिए फिर सिक्स चाहिए फिर वन चाहिए ठीक है तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं इस तरह से टेबल बना सकते हैं ठीक है अब और एक चीज जब भी हमें हिट मिलेगा तो हम वहीं पे लिख देंगे ताकि हमें एंड में काउंट ना करना पड़े टाइम भी वेस्ट ना हो और मिस्टेक भी ना हो इनिशियली चारों फ्रेम एम है तो सेवन पेज जो है वो किसी भी फ्रेम में लाके रख सकते हैं हम ठीक है इसको पेज फॉल्ट काउंट करेंगे क्योंकि ये इनिशियली कोई भी फ्रेम में नहीं था फिर टू चाहिए तो अब ये तीन एम है तो उसको नेक्स्ट फ्रेम में रख दो ठीक है अब सेवन seven चाहिए सेवेंथ फ्रेम चाहिए सेवेंथ पेज चाहिए वो ऑलरेडी फ्रेम जीरो में है सो so सेवन और टू तो ये क्या होगा हिट बोलेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी मेन मेमोरी में प्रेजेंट था एक फ्रेम में तो मैं यहाँ पे हिट लिख दूंगा अब थ्री चाहिए वो नहीं है तो उसको एक एम फ्रेम है तो ले लेंगे अब टू चाहिए तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे तो कोई नया इसको हिट बोलेंगे कोई नया पेज पेज फ्रेम में लाने की जरूरत नहीं है ठीक है अगेन आई सेड हम पेज क्या होता है पेज फ्रेम क्या होता है रिप्लेसमेंट क्यों रिक्वायर्ड होता है ये डिस्कस नहीं कर रहे एल आर यू क्या होता है लिस्ट रिसेंटली यूज टेलगोरिजम उसका भी मैं आइडिया दे दूंगा जब रिक्वायर्ड होगा अब फिफ्थ पेज चाहिए सो so ये फ्रेम एम टी है सो सेवन टू थ्री फाइव थोड़ा बहुत आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है क्योंकि हम सिर्फ सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं पूरा टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहे हैं अब थ्री थ्री यहाँ पे है ऑलरेडी थर्ड फ्रेम में सो सेवन टू थ्री फाइव सो इसको क्या बोलेंगे हिट बोलेंगे क्योंकि जो हमें पेज चाहिए वो ऑलरेडी प्रेजेंट है अब देखो अभी तक तो क्या था कि हमें पेज चाहिए था वो या तो फ्रेम में था या तो नहीं था तो फ्रेम एम थी तो हम एम फ्रेम में डाल देते थे अब हमें पेज फोर चाहिए और चारों की चारों फ्रेम क्या है कंप्लीटली फिल्ड है तो अब हमें किसी ना किसी फ्रेम को रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे हमें रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का यूज करना पड़ेगा हमें बोला गया है लिस्ट रिसेंटली यूज एलगोरिदम का यूज करना है लिस्ट रिसेंटली यूज एलगोरिदम क्या बताता है कि जितने भी पेजेस हैं पहले से फ्रेम में उसमें से जो पेज फ्रेम सबसे लिस्ट रिसेंटली यूज हुआ है मतलब कि सबसे पहले यूज हुआ है उसको निकाल दो जो लेटेस्ट यूज हुए हैं उनको रहने दो तो हम क्या कर सकते हैं हम पीछे की तरफ चार डिस्टिंक पेज मूव हो सकते हैं देखो हमें यहां पे रिप्लेसमेंट चाहिए तो एक ये हो गया ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा लेकिन चार डिस्टिंग मूव करने हैं ये यहां पे थ्री क्या है कॉमन है और यहां पे चौथा तो बेसिकली क्या होगा जब हम चार डिस्टिंग पेजेस यहाँ पे बैक में कवर करेंगे तो ये चार पेजेस वो होंगे जो अभी फ्रेम में प्रेजेंट है तो इसमें से सबसे आखिरी में कौन सा वाला आया सेवन इसका मतलब ये सबसे लिस्ट रिसेंटली यूज्ड है मतलब कि इसको रिप्लेस कर दो हम इस तरह से चार पोजीशन मूव कर सकते हैं ठीक है थीके? चार डिस्टिंग पेजेस कवर होने चाहिए यहाँ पे तीन ही हुए हैं तो एक और तो इसको रिप्लेस कर दो सो फोर यहाँ पे आ जाएगा टू थ्री फाइव अब सिक्स चाहिए सिक्स भी नहीं है तो चार पोजिशन वापस पीछे मूव करो फोर थ्री फाइव टू टू इज द लिस्ट रिसेंटली यूज को रिप्लेस कर दो ठीक है अब सेवन चाहिए वो नहीं है वापस चार पोजीशन पीछे मूव करो चार डिस्टिंग ठीक है चार चार पोजीशन नहीं डिस्टिंग पेजेस इज द लिस्ट रिसेंटली तो उसको रिप्लेस कर दो बाकी को एज इट इज रहने दो ठीक है अब सेवन वो ऑलरेडी है सो फोर सिक्स थ्री सेवन इसको क्या बोलेंगे हिट बोलेंगे ये साइड बाई साइड लिखते जाएंगे ताकि बाद में टाइम भी वेस्ट ना हो और गलती भी ना हो अब वन तो इसमें से सबसे लिस्ट रिसेंटली यूज कौन सा है सेवन फोर सेवन सिक्स फोर थ्री थ्री इज द लिस्ट रिसेंटली यूज तो उसको रिप्लेस कर दो अब फाइव फोर सिक्स वन सेवन में से लिस्ट रिसेंटली यूज कौन सा है फोर उसको रिप्लेस कर दो फाइव सिक्स वन सेवन अब सिक्स सिक्स ऑलरेडी है सो so, कुछ रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है इसको हिट बोलेंगे अब वन चाहिए वन ऑलरेडी है सो so, कुछ रिप्लेस करने की जरूरत नहीं इसको भी हिट बोलेंगे तो टोटल हिट्स कितने हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स Miss कितने हुए या तो पेज फॉल्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन तो टोटल एक्सेस कितने कितने हुए उसमें से पेज फॉल्ट हैं टोटल कितने हुए 15. यही हमें बताना है ये कितना हो थ्री बाई फाइव विच इज पॉइंट सिक्स ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है सो दिस इज द क्वेश्चन आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरह से सॉल्व किया किस तरह से लिस्ट रिसेंटली यूज एलगोरिदम का यूज किया आई होप सब कुछ क्लियर होगा सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वु लाइक टू टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल फुल स्टेक डवलपमेंट कोर्स जिसमें कि एनरोल होकर आप एक रॉक स्टार डेवलपर बन सकते हैं यू कैन गेट अ प्लेसमेंट एनी वेयर बिटवीन फाइव एल पी अपू फोर्टी एल पी है तो स्टूडेंट्स हु आर प्रीवियसली एनरोड एट न्यूटन स्कूल आर ऑलरेडी वर्किंग एट टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया ऑल्सो बेस्ट पार्ट यह कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है विच मींस दैट जब तक आपको फाइव एल पे उससे ज्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है सो मेक श्योर यू चेक आउट द लिंक विच इज गिवेन दर इन द डिस्क्रिप्शन थैंक यू